वेलकम बैक दोस्तों। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने रेड हैट लिनक्स को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया था और ट्यूटोरियल के एंड में मैं लॉगिन करने का पासवर्ड भूल गया था। तो ये जो ट्यूटोरियल अभी मैं बना रहा हूँ, इस ट्यूटोरियल में हम जो लॉगिन पासवर्ड है उसको रिकवर कैसे करना है या उसे ब्रेक कैसे करना है, हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, मुझे पासवर्ड पता नहीं चल रहा था, तो आई डोंट नो क्या पासवर्ड रखा है। उसको रिसेट कैसे किया जाए या उसे ब्रेक कैसे किया जाए, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसे ब्रेक कैसे करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको फर्दर अगर आपको सिक्योर करना है उस मतलब कैसे, जैसे ब्रेक किया था, आप चाहते हैं कि कोई और आपका पासवर्ड इस तरह से ब्रेक ना करे, तो मैं आपको उससे बचने का तरीका भी बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम इसे रीबूट कर लेते हैं, रीस्टार्ट। चलिए, तो हम लोग इस वक्त रेड हैट के बूट लोडर बूट मेन्यू में आ चुके हैं। अब हम लोगों को यूज़र का पासवर्ड पता नहीं है। मेरे यूज़र का नाम साइबर गियर्स है, जो मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा था। मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है, मुझे उसका पासवर्ड रिसेट करना है ताकि मैं अपने सिस्टम को यूज़ कर सकूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी हम लोग बूट लोडर के अंदर एक चेंज करेंगे जिसमें जिसके थ्रू हम लिनक्स को या अपनी रेड हैट को सिंगल यूज़र मोड में हम उसको बूट करवाएंगे। आप सिंगल यूज़र मोड को कह सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सेफ मोड होता है, वैसे लिनक्स के सेफ मोड को आप सिंगल यूज़र मोड कह सकते हैं। और सिंगल यूज़र मोड में जाने के बाद हम अपने जो अकाउंट है, जो भी जिसका भी हमारे को पासवर्ड अपना चेंज करना है या ब्रेक करना है, तो हम उसका पासवर्ड वहां से ब्रेक कर देंगे, फिर लॉगिन करके अपने अकाउंट में हम दोबारा से रिसेट जो है उसका पासवर्ड हम उसको रिसेट कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को अपने बूट लोडर में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऊपर हमारे पास बॉक्स में हमारे जो लिनक्स का वर्जन है उसका नाम दे रखा है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, यूज़ द अप एंड डाउन एरो कीज़ टू सिलेक्ट विच एंट्री इज़ हाईलाइटेड। एंड नीचे एक और चीज़ लिखी गई है, प्रेस एंटर टू बूट और सिलेक्ट ओएस और ई टू एडिट द कमांड बिफोर बूटिंग। तो हम लोग ई प्रेस करेंगे। ई प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी हार्ड डिस्क का जो फर्स्ट एड्रेस है वो आ जाएगा, सेकंड नंबर पे हमारे पास कर्नल का जो लिंक है वो आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो इनिटेड इमेज है उसका लिंक आ जाएगा। तो हम लोगों को सेकंड वाले कर्नल इमेज के ऊपर अप एंड नेविगेशन की से हमारे को इस कर्नल वाले लाइन को हाईलाइट करना है, और हाईलाइट करके हमें ई प्रेस करना है। कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे, और ई प्रेस करते ही जहाँ पर हमारा जो क्वाइट लिखा हुआ है, क्वाइट, इसके आगे स्पेस बार से एक स्पेस देंगे और वन लिखेंगे। ये जो वन कमांड है, इसके साथ जो कर्नल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल यूज़र मोड में बूट होगा, यानी कि कमांड लाइन मोड में जो है लिनक्स हमारी स्टार्ट होगी विद रूट प्रिविलेजेस, ताकि हम लोग वहाँ से अपना पासवर्ड जो है उसको ब्रेक कर सकें या चेंज कर सकें। चलिए, वन लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम बी प्रेस करेंगे, और बी प्रेस करते ही हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर मोड में जो है लोडिंग करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट रूट टर्मिनल में जो है लॉगिन हुए हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग कमांड लिखेंगे। हमेशा पासवर्ड को चेंज करने की या रिसेट करने की कमांड पासवर्ड होती है, पी ए
डबल एस डब्ल्यू डी और स्पेस देके हम हाइफन डी लिखेंगे, फिर स्पेस देके हम उस यूज़र का नाम लिखेंगे जिसका पासवर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं, सी वाई बी ई आर जी ई ए आर एस साइबर गेयर्स, हमारे केस में है साइबर गेयर्स। तो कमांड बनती है पासवर्ड स्पेस हाइफन डी स्पेस यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र का नाम है, और हम एंटर प्रेस कर देंगे। और अगर ये कमांड बिल्कुल सही लिखी है तो कोई एरर नहीं आएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम इसको दोबारा से रिबूट करेंगे, इनिट ज़ीरो, मैं इसको शट डाउन करना पड़ेगा, सॉरी, इसको फिर दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। ओके, मैं लिनक्स को वर्चुअल मशीन के थ्रू चला रहा हूँ, तो मैं इसे दोबारा से स्टार्ट करूँगा। चलिए, अब डायरेक्ट हम एंटर प्रेस करेंगे, हमें अभी कोई कमांड एडिट नहीं करनी है। हमने जो कमांड एडिट करनी थी वो हम कर चुके हैं और हम लोगों ने पासवर्ड भी रिमूव कर दिया है। अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, अगर हमने जो कमांड वहाँ पे एग्जीक्यूट की थी अगर वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है, तो यहाँ पे जब भी हम अपने यूज़र में लॉगिन करेंगे तो वो हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। एंड देखिए, कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। पहले जब हमने लॉगिन किया था तो पासवर्ड मांग रहा था जो हमें याद नहीं था, और हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है पासवर्ड को रिमूव कर दिया है। लेकिन अब पासवर्ड दोबारा से रखना है, तो कैसे रखेंगे? वेल, पासवर्ड रखने के लिए भी हम लोगों को राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल, टर्मिनल को ओपन करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी हम लोगों को कोई पासवर्ड चेंज करना है या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो हम लोग नॉर्मल यूज़र अकाउंट से नहीं उसको चेंज कर सकते हैं। हमें सुपर यूज़र अकाउंट यानी के रूट अकाउंट में हम लोगों को लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग अभी पासवर्ड चेंज करने जा रहे हैं, ये मतलब कि एक फाइल जो होती है, जो रूट स्लैश ई टी सी स्लैश कॉन्फिग में भी इस तरह से उस फाइल का नाम होता है, रूट स्लैश पासवर्ड डॉट कॉन्फ शायद ऐसा नाम होता है उस फाइल का। तो उस फाइल में हम चेंजेस करने जा रहे हैं, तो चेंजेस करने के लिए हमें रूट प्रिविलेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वक्त हम लोग नॉर्मल यूज़र में हैं, तो सुपर यूज़र में जाने के लिए हम लोगों को कमांड टाइप करनी पड़ेगी, एस यू एंड देन पासवर्ड, जो भी आपका रूट का पासवर्ड होगा। अब हम रूट में आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर कमांड लगाएंगे, पी ए डबल एस डब्ल्यू डी पासवर्ड स्पेस। इस बार हम लोगों ने हाइफन डी नहीं यूज़ करना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे यूज़र का नाम, जो कि हमारे केस में है साइबर गेयर्स। एंटर करेंगे और यहाँ पे जो भी हम पासवर्ड डालना चाहते हैं, इस बार मैं 1 2 3 4 लेके चल रहा हूँ, पासवर्ड छोटा है लेकिन याद रहेगा। चलिए, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अगर हमें इसे चेक कर रहा है कि कमांड कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, तो हम उसको रिबूट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ से जो है हमें पता चलता है कि हमारा पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि तो पहले कुछ भी नहीं था, उससे हमने उसको 1 2 3 4 जो है हमने पासवर्ड सेट कर दिया है। चलिए, अब एक कंसेप्ट की बात बताता हूँ। हम लोगों ने जिस मेथड का हमने यूज़ किया, जैसे कि हम लोगों ने बूटिंग मेन्यू में एडिटिंग करके, बूट लोडर में एडिटिंग करके, हम लोगों ने वहाँ से वन लिखा और हम डायरेक्ट सिंगल यूज़र मोड में रूट एक्सेस के साथ पहुँच गए। वेल, अभी तो हम लोगों को ज़रूरत थी तो चलिए पहुँच गए, लेकिन अगर कोई और किसी और कोई इस चीज़ के बारे में पता हो, तो आपके सिस्टम पर वो बहुत आसानी से लॉग इन कर सकता है।
तो उस चीज़ से बचा कैसे जाए, उस चीज़ से प्रोटेक्शन कैसे की जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं अगले ट्यूटोरियल में करके बताऊँगा। एक्चुअली अगर हम लोग, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब हमने इंस्टॉलेशन वाला ट्यूटोरियल जब हम बना रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे एक ऑप्शन आई थी सेट बूट लोडर पासवर्ड, अगर वहाँ पे उस वक्त वो पासवर्ड लगा दिया गया होता तो जैसे ही हम लोग अभी जब हम लोगों ने बूटिंग मेन्यू पे ई प्रेस किया था तो वो हमसे वहाँ पे पासवर्ड मांगता, अगर पासवर्ड सेट होता, अगर पासवर्ड हमें पता होता हम पासवर्ड डाल के वहाँ से आगे प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर उस वक्त अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया है तो घबराने की बात नहीं है, उस पासवर्ड को हम बाद में भी लगा सकते हैं, और उसको कैसे लगाते हैं उसे हम अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। नाउ 80, अब हम चलते हैं।